को आपने प्लान शो किया, प्रोडक्ट शो किया, प्लान जहां तक हो सके बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, राइट? जबरदस्ती उसको करोड़पति क्यों बना रहे? उसको अभी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दो ना भाई। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बंदा जब कब सुनेगा। ये तो प्रतीक भाई ने बताया कि मुझे आप प्रोडक्ट समझा दो, तो मैंने समझा दिया, लेकिन इनविटेशन बहुत जरूरी है। यस और नो? यस। कि लोगों को कैसे बुलाया जाए, लोग आते ही नहीं है साले। कौन उठा रही नहीं? क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग आते ही नहीं? हेलो, हाथ खड़ा रखो। अगर ऐसा होता है तो सही जगह पे हो, सही धंधे में हो। ऐसा मेरे साथ भी होता था कि मैं बुलाता था और नहीं आता। मतलब आपने अभी मैंने जो बताया लिस्ट, आपने अगर लिस्ट वो तरीके से बनाया, MAN, मनी, अथॉरिटी और नीड, अगर उस तरीके से लिस्ट बनाया तो गारंटी बोलता वो बंदा आएगा आएगा आएगा। यस और नो? यस सर। अभी इनवाइट करने का तरीका क्या है, तो पहले सबसे पहले उसकी नीड को समझना बहुत जरूरी है। यस और नो? आप क्यों आए इधर? आप चाहते तो बहाने बना सकते थे। कई सारे लोग पीलीभीत से आए, कई सारे लोग बरेली से आए, कई सारे लोग 400 किलोमीटर दूर से आए, 300 किलोमीटर दूर से आए। अगर दो लोग इलाहाबाद से भी आए सर। कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, प्रयागराज से। जोरदार तालियां सर के लिए। तो क्यों आए सर? आपकी भीड़ थी, आपको जरूरत थी। सुनिए भाई साहब, जानना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। नीड क्या हो सकती है? नीड तो क्या भाई, नीड हो सकती है हेल्थ की, वेल्थ की। यस और नो? यस। तो जो भी आपका दोस्त है जिसका आपने नाम लिखा हुआ है, उसकी नीड को समझना जरूरी है। क्या सर नाम है आपका? आपका नाम क्या है? स्पर्श। मैं आपको स्पर्श कर सकता हूँ? स्पर्श भाई आप क्या करते हो अभी? बिजनेस करते हो। कौन सा बिजनेस करते हो? प्रिंटिंग का बिजनेस करते हो। ओके, अभी ये स्पर्श भाई मेरे दोस्त है, छपाई का बिजनेस करते हैं, जो मैं सालों से उनको जानता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं उनके बारे में पूरा जानता हूँ, उनकी माँ कौन है, उनके पापा कौन है, भाभी क्या कर रही है, बच्चे कितने हैं, मतलब उनको कितने चड्डी में छेद है मेरे को पता है। ये मेरी भावनाओं को समझो आप। हेलो, फीलिंग को समझो, फीलिंग। सही है, गलत है? मेरी भावनाओं को समझो। फीलिंग, फीलिंग जो पहने उसमें कितने छेद है वो आपको पता है। यस और नो? यस। ऊपर से तो सब अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर क्या तकलीफें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका दोस्त है। एग्री करते हो? यस। अगर उसकी तकलीफ पता है आपको और तकलीफ का समाधान आपके पास है, तो आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। यस और नो? यस। हम डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते? क्यों जाते हैं? तकलीफ हमें है, समाधान डॉक्टर के पास है, तो जाते हैं। यस और नो? यस सर। आपकी तकलीफ मुझे पता है कि जो आपने अभी घर खरीदा है, एग्जांपल देता हूं, जो घर खरीदा है 50 लाख रुपए का, जिसकी लोन ली है आपने 30 लाख रुपए, जिसके हफ्ते आ रहे 30,000 रुपये, ये आपकी तकलीफ है। आप कर रहे हो और आपका पगार है 60,000 रुपया, बड़ी मुश्किल से किस्त भर रहे हो घर की, एग्जाम्पल, ये मुझे पता है। अभी मैं जब इनवाइट करूंगा आपको, तो मैं आपको कैसे इनवाइट करूंगा? स्पर्श क्या कर रहा है आजकल? कैसा घर नया शिफ्ट कर लिया तूने? मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? सब ओके, बढ़िया। मैंने सुना तूने घर खरीदा है भाई, कितना लोन लिया? 30 लाख रुपया। हाँ, लोन लिया 30 लाख। कितना हफ्ता आ रहा है? 30,000। कितने साल का लोन लिया है?
तो स्पर्श बोलेगा 20 साल का लोन लिया है। स्पर्श मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है कि तू वो 20 साल जो भरने वाला लोन है तेरा वो 2 साल में चुका सकता है। कट। कौन स्पर्श? मैंने कट कर दिया। कौन फोन करेगा? कौन करेगा स्पर्श? मेरे को फोन कर भाई बता दो क्या है क्या? हेलो। हम गलती कहाँ करते हैं? पूरी रामायण उधर चालू कर देते फोन पे। स्पर्श ऐसा है कि वो जो है ना एक प्रोडक्ट खरीदने का मैट्रेस है, मैग्नेटिक मैट्रेस, अच्छा रिजल्ट देता है और 2 लोगों को लेके आने का, 2 के 4, 4 के 8, रोज का 36,000 कमा सकते। देख ऐसा करेगा तो महीने में तेरा 36,000 तो निकल ही जाएगा। मैं रोज की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने की बात कर रहा हूँ। तो तेरा महीने का 36,000 से हफ्ता चला जाएगा। तो कब चालू करता है तू? बोले दिवाली के बाद। दिवाली कभी नहीं आती। हेलो, ये समझ में आ रहा क्या फर्क है आप लोग करते हो क्या हो और मैं क्या करता हूँ? मैंने फोन काट दिया कि मेरे पास आइडिया है कि तेरा जो 20 साल वाला लोन है 2 साल में चुका सकते। फोन करेगा कि नहीं करेगा? फोन करेगा। भाई अभी टाइम मेरे पास नहीं है। समझ में आ गया? कॉलेज किया आप लोगों ने? लड़की तुरंत भाव देती है तो क्या करते हो? तुरंत भाव देने का नहीं, नहीं। समझ में आ रहा है? हेलो। तुरंत भाव नहीं देने का भाई, अभी टाइम नहीं मेरे पास। हालांकि शाम को एक इधर सौंपी भी तो आ गया, इधर डालना बाकी है क्योंकि टाइम नहीं है। नहीं क्योंकि हमें लंबा चल रहा है। यस और नो? ये क्लियर हो गया? तो नीड को आपने जाना और उसके ऊपर बात की और अर्जेंसी क्रिएट की और आप बिजी अपने आप को दिखा रहे हैं। क्लियर? क्लियर हो रहा है? yes. समझ में आ रहा है तो यस बोलो। yes. अभी दूसरा एग्जाम। अभी बंदा नौकरी कर रहा है, परेशान है, बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं? उसको जो चाहिए उतना ही बोलो, उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उससे ज्यादा अगर कुछ तो हिंट दे, है क्या? हम तो साले बहुत भोले आदमी, तुरंत हिंट दे देते। तो ज्यादा कुछ नहीं, एक मैट्रेस देने का है, तुरंत हिंट दे दिया। समझ में आ गया? कुछ भी बोलना नहीं नहीं है। कुवल तेरे पास देख, अभी मेरे पास आज 2 घंटे का टाइम है, राइट? और जो मेरे बॉस है उसके पास वैसे टाइम नहीं रहता है, बहुत बिजी है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नत करके बोला है उनको कि 2 घंटे का, क्योंकि तू मेरा खास दोस्त है स्पर्श, तो मैंने उनको टाइम दिया। ठीक, मेरा लफड़ा नहीं होना चाहिए, टाइम पे आ जाना। समझ में आ गया? तो उनके साथ बैठ कर डिस्क, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का लोन 2-2, 3-3 बार में ख़त्म करवाया, उनके पास जबरदस्त आइडिया। ठीक है, तो जो आओगे आप और मैं बिठाऊंगा आपको मेरी अपलाइन के सामने, तो सुनोगे कि नहीं? हम तो क्या करते हैं, कहानी उल्टी करते हैं। यस और नो? तो आपको सबसे पहले नीड समझना बहुत जरूरी है। नीड के बगैर कोई भी आदमी कुछ भी खरीदता नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, को अदरवाइज मत लेना। एक चड्डी बेचने वाला फेरिया होता है, फेरिया, चड्डी ले लो, इलास्टिक वाले, नाड़े वाली, लंबी टुकी। बराबर, लाइनिंग वाली, इलास्टिक वाली। मैं कहा साला पूछ तो सही, चड्डी पहनते कि नहीं लोग? और वो चड्डी जो पहनता है उसमें उसको तकलीफ क्या है? इलास्टिक बराबर नहीं है, तकलीफ उसको आता है,
नाड़ा खुलता नहीं है टाइम पे, नाड़े वाली चेंज करना चाहता है, इलास्टिक वाली खरीदना चाहता है, हाफ खरीदना है, फुल खरीदना है, जो चड्डी पहनता है उसमें तकलीफ क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। यस और नो? यस। तो आपकी जो जिंदगी है आज उसमें आपको तकलीफ क्या है, वो तकलीफ को अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो गारंटेड मुझे आप टाइम दोगे। यस और नो? यस। तकलीफ के बगैर कोई भी बंदा आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होता। क्लियर हो रहा है? yes. मार्केट में कोई किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं, सब सुनाने के लिए तैयार है। मेरा सुनो भाई, तुम क्या बोलते रहते हो? यस और नो? और जब भी किसी को मिलते हो आप, आपको पहले उसको सुनना है। किसको सुनना है? उसको सुनना है। मैं आपके पास आऊंगा, बोलूंगा सर और बताइए, और कुछ बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए, और कुछ बाकी है बोलेगा नहीं, मैं बोलूंगा। समझ आ रहा है? हम चालू कर देते हैं। देखो ऐसा है कि मैग्नेटिक मैट्रेस से ऑक्सीजन बढ़ाता है, 200 प्रकार की बीमारियों में काम में आता है, राइट? मुंबई की कंपनी है, दिल्ली में अपना ऑफिस खुल चुका है, 15,900, 7,400, 9,600, 4,000 के प्रोडक्ट है, लेना है? ये हो रहा है? पहले उसको सुनो, उसको तकलीफ क्या है। हेलो, क्योंकि तकलीफ के बगैर कोई सुनेगा नहीं। आप भी सुन के सर क्यों रहे हो मेरे को? कि सारा तुमको कैसे 3 करोड़ आ गया, हमको क्यों नहीं आ? इसीलिए सुन रहे हो? यस और नो? यस। सही पकड़े हैं? सही। और प्रतीक भाई ने चुन चुन के बिठाया है सबको, तकलीफ वाले को पकड़ा है, और वीरपाल जी ने वे चुन चुन के बिठाया, पहली दिन से किसी को बुलाया, किसी को बरेली से, और हमारे तेजस भाई भी कलाकार है ना? तो पहले सुनो और फिर बताओ। इनवाइट करने का मेन तरीका ये है कि आप किसी को भी कहीं, कहानी क्या होती पता है? हमारे पास आ गया ही बार दोहरी, अभी आपको पता ही, अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर है, अच्छा आदमी। हमने एक एक दो दो साल तक बात भी नहीं की और आज शुरू कर दिया भाई। जबरदस्त बिजनेस है, जोरदार, तुम्हारे लायक बिजनेस है। मिलते हो क्या? यस और नो? ऐसा ही करते हम लोग। जिससे भी बात करना है उसको पहले संबंध बनाओ। अब इस पर्स 5 साल से हमने बात ही नहीं की और पर्स को डायरेक्ट बात कर लूंगा तो कैसा लगेगा? पहले स्पर्श से मैं संबंध बनाऊंगा उसके। स्पर्श भाई क्या चल रहा है, दिल्ली में सेटल हो गए, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे हैं, भाभी क्या कर रही है, औपचारिक बात होगी। यस और नो? फिर दोबारा उसकी हालचाल पूछा। देखो कई बार क्या होता है, नीड जानने के लिए हमें कुछ टॉक करना पड़ता है। जैसे अननोन कोई बंदा है या आप जानते नहीं उसकी नीड क्या है, नीड जानने के लिए आपको टॉक सामने से करना पड़ता है, राइट? जब आप दुखी आत्मा की तरह बिहेव करोगे तो सामने वाला भी दुखी आत्मा बन सकता है। यस और नो? और भाई कैसा चल रहा है अभी? ध्यान, आपको आपने पूछा कैसा चल रहा है, बोले बढ़िया। सब है क्या बोलते हैं सब लोग? क्या बोलते हैं? बढ़िया। ये साला बढ़िया चलने वाली जिंदगी बहुत बढ़िया की दुश्मन बनी हुई है, आप लोगों को पता नहीं क्या है ये बढ़िया चलने वाली जिंदगी बहुत बढ़िया की दुश्मन बनी हुई है, हमें पता नहीं है। नहीं है तो उसको बोले बढ़िया। यार देख ऐसा है कि मेरा, वो पूछेगा भाई आपका क्या हाल है, बोले देख अभी है कोरोना का बच्चे है ना, बहुत वाट लगी, कोई काम में जितने भी हाथ डालता हूँ सब में लफड़ा हो गया। तुम्हारा अच्छा है, बढ़िया चल रहा है? तो बोले क्या बात बताओ यार, मेरा भी कुछ ऐसा ही।
अभी बढ़िया बोलने वाला बंदा चेंज हो गया, क्योंकि आपने अपनी कहानी सुनाई, उसने भी वहां से थोड़ा सुनाया। क्लियर हो रहा है? आपको नीड अभी तक पता नहीं है उसकी, अननोन बंदा है या उसको अथॉरिटी है, पैसा है, लेकिन नीड पता नहीं है आपको, तो नीड कैसे समझना? तो ये अभी जो कर रहे हो सर, उसमें 50,000 महीने का लाख रुपया तो आ ही जाता होगा। बोले यार क्या बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से घर चला रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से दुकान का किराया भर रहा हूँ, यस और नो? यार बात सही है यार, मेरी भी हालत कुछ है, अभी लोन लिया है साला, मैं फंस गया हूँ लोन लेके। आपने बताया, आपने बताया तो वहां से भी चालू हुआ, यस और नो? यस। एग्री करते हो आप लोग? यस। अरे यार मेरी भी हालत कुछ ऐसी है साला, अभी मैंने बोलो घर खरीदा, 10 लाख रुपये में मार्केट से लेकर डाला है, बहुत दफड़ा। तो बोलने का तेरे पास कुछ ऐसा कुछ आए तो मेरे को बताना, मेरे को कुछ करना है साइड में, मेरे को साइड में कुछ करना है यार, मैं बहुत परेशान हो गया, एक्स्ट्रा सो इनकम की जरूरत पड़ेगी ऐसा लगता है मुझे, और मेरे पास भी आएगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद तो हफ्ते बाद फिर फोन करो कि भाई कैसा चल रहा है ये वो, कुछ आया? उसके बाद तो जिंदगी में कभी आने वाला ही नहीं है, अपने बाद आ गया। यस और नो? यस। बोले भाई जबरदस्त, उस दिन बात हुआ था, मैं सर्चिंग ही कर रहा था, जबरदस्त आया अपने पास, जोरदार, टाइम निकालना पड़ा, कुछ तो बता। बोले नहीं कुछ मेरे पास कोई, अरे कुछ हिंट तो दे। बोले नहीं टाइम नहीं अभी, मेरे को जाना है, फोन काट। कोई हिंट विंट देने का नहीं, कुछ तो वो नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने वाला, कोई बात करने का, हम लोग जितना बात करेंगे उतना फंसेंगे, समझ में आ गया? Yes. उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग, आपने बोला नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, तो वो मेंबर बोले मेंबर बनाने का नहीं, तो आप फंसे, जवाब देने का नहीं, मेरे को पता नहीं कि मेंबर क्या होता है, ये दो बनाने का क्या होता है, आप सवाल करो, और चौथे सवाल के बाद आपको सवाल ही नहीं करेगा। हेलो, कई बार हमें बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाने का, पता है आपको? अनजान बनने का, अनजान। कई बार हम लोग ये बोले यार इतना पता नहीं, ऐसा बेवकूफ समझेगा, ऐसा करके हम बोलते हैं, बेवकूफ बनने का, क्योंकि जोड़ी का 6,000 इधर से मिल रहा है। बेवकूफ रोज अगर 6 मिलता है मेरे को तो